हेलो स्टूडेंट्स, आज की आपकी वर्कशीट है इंग्लिश की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 32। ये 17 सितंबर की आपकी वर्कशीट है। तो ये जो वर्कशीट है ये आपका क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 2 है। फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उसमें से एक चैप्टर है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उस पर बेस्ड ये वर्कशीट है। उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ये वीडियो ताकि उन्हें भी ये अच्छे से समझ आ जाए। तो जल्दी से देख लेते हैं इस वर्कशीट में क्या है। तो ये जो आपका चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट में से, चैप्टर 2 जो है उसमें से ये एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है, ये आपको पढ़ना है, और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है ये आपको करने हैं। तो 10th मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, तो 10th मई का जो ये दिन था उसकी सुबह की यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी बात कर रहे हैं कि वो दिन जो है बहुत ही ब्राइट था, बहुत क्लियर था, सनी डे था, बहुत ज्यादा बारिश का दिन नहीं था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। तो कुछ दिनों से जो है इस दिन से पहले, 10th मई से पहले, नेल्सन मंडेला जी जो थे वो देश भर के और देश भी और दुनिया भर के जो डिग्नेटरीज थे और लीडर्स जो थे, मतलब बड़े बड़े जितने भी लोग थे, वो सब जो है इनॉग्रेशन से पहले उनसे मिलने आ रहे थे, तो उनके साथ वो बिजी थे। तो इनॉग्रेशन से पहले कौन आ रहा था? इनॉग्रेशन से पहले डिग्नेटरीज और वर्ल्ड लीडर्स आ रहे थे। तो ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ, आगे इस पर क्वेश्चन होगा। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर of international leaders on South African soil. तो ये जो inauguration होने वाला था, वो जो inauguration था वो South African soil में सबसे बड़ी gathering थी। मतलब इतने इतने बड़े level पर international leaders जो थे, इससे पहले कहीं कभी भी South Africa की जमीन पर इकट्ठे नहीं हुए थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. तो ये जो सेरेमनीज थी इनॉग्रेशन की, ये कहाँ पर हुई? ये हुई थी एम्फीथिएटर था, और ये एम्फीथिएटर जो था वो यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रेटोरिया ने फॉर्म किया था। अब ये यहाँ पर इसलिए हुई थी क्योंकि फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट थी, क्यों? क्योंकि सालों सालों तक, मतलब डेकेड्स, मतलब सदियों, कई सालों से जो है वाइट जो सुप्रीमेसी थी, मतलब कि ब्रिटेन के जो लोग थे वो वहां पर सुप्रीम थे, वो वहां पर रूल कर रहे थे, लेकिन फाइनली ये यही वो जगह बनी जहां पर उनका रूल ओवरथ्रो कर दिया गया, और उनकी जगह बहुत अलग अलग देशों से, अलग अलग साउथ अफ्रीका के जो देश थे वहां से लोग इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका का पहला डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट यहाँ पर बनने वाला था। तो ये जो इनॉग्रेशन था वो किसका था? वो डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल, मतलब कि ऐसी गवर्नमेंट जो किसी में भेदभाव नहीं करती है, काले गोरे के बेसिस पर, रेसिस के बेसिस पर भेदभाव नहीं करती है, तो ऐसी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर बनने वाली थी, उसका ये इनॉग्रेशन था। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. तो उस दिन वो किसके साथ गए? उनकी जो बेटी थी नेल्सन मंडेला की, जेनानी, वो उनके साथ जो है इस दिन वहां पर इस इनॉग्रेशन में गए थे। On the podium, Mr. D. Clerk was first sworn in as second deputy president. तो पोडियम क्या होता है? किसी भी स्टेज पर आपने जरूर देखा होगा कि आपके भी स्कूल में जब फंक्शंस होते हैं तो जिस पर से जो माइक पे जहां पर बोला जाता है स्टेज के ऊपर, उस जगह को पोडियम कहा जाता है। तो पोडियम पे जो है मिस्टर डी क्लर्क जो है सबसे पहले वो सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट की उन्होंने शपथ ली। देन थाबो मेबी की वो स्वॉन इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, फिर इन्होंने फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट की इन्होंने शपथ ली। When it was my turn, तो ये माई जो है यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी बात कर रहे हैं, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. तो जब उनकी बारी आई तो उन्होंने भी शपथ ली कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो बना है, वो उसको अच्छी तरह से उसे फॉलो करेंगे, ओबे करेंगे, और उसको जो है अपनी, अपना जो पूरा तन मन है वो बिल्कुल अपनी इस रिपब्लिक को, अपनी कंट्री को, उसके कंट्री के लोगों को वो पूरी तरह से खुद को डिवोट कर देंगे, खुद को, खुद का समर्पण कर देंगे।
We, who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. So, we यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर जो है उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने किसकी बात कर रहे हैं? नेल्सन मंडेला जी, वो साउथ अफ्रीकन पीपल की बात कर रहे हैं. वो लोग जो साउथ अफ्रीका से थे, अभी तक जो है वो आउटलॉज की तरह कंसिडर किए जाते थे. मतलब कि ऐसे लोगों की तरह जो है बाहरी लोगों की तरह कंसिडर किया जाता था, उनको उनके साथ भेदभाव किया जाता था. और उन्हें जो है अब ये मौका मिला था, ये रेयर प्रिविलेज, ये रेयर उन्हें मौका मिला था कि वो इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे जिसमें दुनिया भर के अलग अलग देशों में से जो लोग थे वो इकट्ठा हुए थे और उन्हीं की जमीन पर इकट्ठा हुए थे. वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आर कंट्री और व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी. तो अपनी स्पीच में फिर नेल्सन मंडेला जी सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू देना चाहता हूँ कि ये जो इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, अलग अलग कंट्रीज से, बाहर के देशों से भी जो लोग यहाँ पर आए हैं, वो हमारा साथ दे रहे हैं कि हम जो इस देश के नागरिक हैं वही मिलकर अपने देश का शासन करें, इसमें वो हमारा साथ दे रहे हैं. तो इसीलिए ये हम सबकी जीत है और ये जस्टिस की जीत है, ये पीस शांति की जीत है और ये ह्यूमन डिग्निटी की जीत है. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. तो एट लास्ट जो है साउथ अफ्रीकन लोगों ने क्या अचीव कर लिया है? उन्होंने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, मतलब कि उन्होंने फ्रीडम अचीव कर ली है. पॉलिटिकल जो फ्रीडम है वो अपने ऊपर खुद राज कर सकते हैं, उन्होंने ये अचीव कर लिया है. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो वो ये आगे कहते हैं नेल्सन मंडेला जी कि अब हम शपथ लेते हैं कि हम जो हमारी ये जो लोग हैं और जो नागरिक हैं हमारे देश के, हम इन सब को जो है पॉवर्टी की, गरीबी की जो ये बॉन्डेज है, मतलब गरीबी से ये जो हम सब उसके जो स्लेव बन चुके हैं, उसके गुलाम जो बन चुके हैं, डेप्रिवेशन की जो बॉन्डेज है उनकी, उसमें जो हम सब दबे हुए हैं कि हमें कुछ मिल नहीं पाते हैं, सबको रिसोर्सेस, हम जो सफर कर रहे हैं और जो अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव किए जाते हैं जेंडर के बेसिस पे, लड़के लड़की में भेदभाव, क्लास के बेसिस पे, अमीर गरीब में भेदभाव, तो इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है, हम अब इन सब से खुद को अब आजाद करेंगे. नेवर, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. So yahan par wo ye shapath lete hain aur bahut hi zyada us pe emphasize karte hain ki ab ye kabhi bhi nahi hoga ki south africa ka ye jo beautiful land hai, ye jo sundar zameen hai, ye kabhi kisi aur se oppression feel karegi ya koi kisi ko yahan par oppress karega ya dabayega, unke upar raj karega, aisa kabhi bhi nahi hoga. The sun shall never set on so glorious a human achievement. तो वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारी अचीवमेंट है, ये जो ह्यूमन अचीवमेंट है, हम सब ने आज ये जो इंसानियत की ये जो अचीवमेंट है, ये जो हमने आज पाया है, इस ये जो हमारी अचीवमेंट है, इसका कभी भी अस्त नहीं होगा. मतलब हम हमेशा इसी तरह से अचीवमेंट के साथ आगे बढ़ते रहेंगे. Let freedom reign. God bless Africa. तो जो फ्रीडम है वो इसी तरह से जो है सब पर राज करे, सब फ्री रहे, सब आजाद रहे. God bless Africa. तो ये जो है नेल्सन मंडेला जी की स्पीच है, इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस है, वो जल्दी से देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है आपका, हु वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन. तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. तो सबसे पहले आप लिखेंगे द, उसके बाद आप लिखेंगे डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, फिर क्वेश्चन में से ही आप लिखेंगे were coming before the inauguration. आपको अगर एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन इस तरह से आए तो आपको ग्रामर की चिंता नहीं करनी है, आप क्वेश्चन में से ही आप आंसर बना सकते हैं इजिली, आपको रटने की जरूरत नहीं है आंसर्स. आगे चलते हैं क्वेश्चन टू पर, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, वाई. तो सेरेमनी कहाँ हुई थी और क्यों हुई थी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ये यहाँ आपको डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द. तो ये जो है ये पूरा पैराग्राफ आपका आंसर टू होगा. चलते हैं आपके क्वेश्चन थ्री पर. क्वेश्चन थ्री आपका कहता है, हु अकंपनीड नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन. तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर आए की जगह आप लिखेंगे नेल्सन मंडेला. तो आप सबसे पहले आंसर शुरू करेंगे, लिखेंगे नेल्सन मंडेला वॉज अकंपनीड बाय
माय की जगह आप लिखेंगे हिज, एच आई एस, हिज, हिज डॉटर जेनानी, फिर आप लिखेंगे ऑन द इनॉग्रेशन. ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे नेल्सन मंडेला वॉज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर जेनानी ऑन द इनॉग्रेशन. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे आप एग्जाम्स में भी पैसेज में से ही आप क्वेश्चन के आंसर्स बना सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज वी रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज. तो ये जो आपका थर्ड पैसेज है इसमें ये वी का क्या मतलब है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो यहाँ पर आप लिखेंगे वी रेफर्स, तो क्योंकि यहाँ डज है तो इसे आप लिखेंगे रेफर्स टू, वी रेफर्स टू द साउथ अफ्रीकन पीपल इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज. तो आप लिखेंगे साउथ अफ्रीकन पीपल, या फिर लिखेंगे आप वी रेफर्स टू द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. आप यहां से भी लिख सकते हैं वी रेफर्स टू द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज. ये आपका हो जाएगा आंसर फोर. फिर चलते हैं क्वेश्चन फाइव पर, व्हाट डिड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट. तो आप यहाँ पर लिखेंगे, इधर से आंसर आप लिखेंगे एट लास्ट, फिर आप लिखेंगे द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव्ड, अब आर की जगह आप लिखेंगे देयर, क्योंकि उनकी हम बात कर रहे हैं तो आर की जगह आप लिखेंगे देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. तो फिर से मैं पढ़ देती हूँ, द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका एट लास्ट अचीव्ड देयर टी एच ई आई आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. तो इस तरह से आप इसके आंसर यहाँ लिख सकते हैं. फिर चलते हैं आपके सिक्स क्वेश्चन पर. सिक्स क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको पैसेज में से उनका जो एक्चुअल वर्ड है, वर्ड के मीनिंग दिए हुए हैं और पैसेज में से उसका एक्चुअल वर्ड आपको ढूंढ कर लिखना है. तो पार्ट ए है, एन ओपन स्पेस सराउंडेड बाय स्लोपिंग लैंड, ऐसा स्पेस जो खुला होता है और उसके आसपास जो है स्लोपिंग लैंड होता है, स्लैंटिंग लैंड होता है, टेढ़ा लैंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको एम्फी थिएटर कहते हैं. तो ये आप यहाँ करेक्ट कर सकते हैं. बी पार्ट है आपका फिर, प्लेटफॉर्म अ पर्सन स्टैंड ऑन वेन गिविंग अ स्पीच. मैंने आपको बताया था कि जब आप स्पीच देते हैं तो आप पोडियम पर खड़े होते हैं, तो ये सही है. फिर स्लेवरी, स्लेवरी का एक और वर्ड आप बोल सकते हैं बॉन्डेज. तो पोवर्टी तो हो जाता है गरीबी, स्लेवरी गुलामी जो है वो बॉन्डेज होता है. फ्रीडम के लिए एक और आप वर्ड यूज कर सकते हैं इमेंसिपेशन. पीस का मतलब होता है शांति और इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम, आजादी. फिर लास्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन का, ये ग्रामर का एक आपको बताया गया है कि टेक्स्ट में जो है अलग अलग तरह के वर्ड्स हैं, जैसे फॉर्मेशन, गवर्नमेंट. अब ये वर्ड्स बनते कैसे हैं, तो ये जो वर्ड्स बनते हैं इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ब फॉर्म होती है उनसे बनते हैं. जैसे कि गवर्न एक वर्ब है कि किसी पर राज करना. अब जब गवर्न के पीछे ये मेंट लगा दिया जाता है, ये सफिक्स लगा दिया जाता है, हिंदी में आप इसे प्रत्यय कहते हैं, तो ये जब लगा दिया जाता है तो ये गवर्न और मेंट मिलकर गवर्नमेंट बन जाता है और फिर ये नाउन बन जाता है. तो गवर्न राज करना तो वर्ब है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो एक नाउन है, एक संज्ञा है वो. तो ऐसे में जब आप ऐसे नए वर्ड्स बनाते हैं तो ये वर्ब नाउन के जो पेयर होते हैं तो कभी कभी स्पेलिंग में भी चेंज आ जाता है, जैसे कि रिबेल से बन जाता है रिबेलियन. तो रिबेल करना हो जाता है कि ये वर्ब है और रिबेलियन जो है वो नाउन है. फिर कॉन्स्टिट्यूट मतलब साथ में मिलना से बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये नाउन है कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर्मेशन का भी मैं बता देती हूँ, फॉर्म करना वो वर्ब है और फॉर्मेशन जो है वो नाउन है. तो आपको क्या करना है, आपको भी टेक्स्ट में से इसी तरह से पेयर ऑफ नाउन और वर्ब ढूंढना है. तो हमने आपके लिए सैंपल के तौर पे यहाँ ढूंढे हैं. तो जैसे नाउन है पोजेशन और वर्ब क्या है इसमें, पोजेस करना. डेप्रिवेशन वर्ब है इसमें, डिप्राइव करना. डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेट, ऑप्रेशन किसी को ऑप्रेस करना, और अचीवमेंट इसका वर्ब है अचीव करना. तो ये जो है आप यहाँ पर नाउन और वर्ब की टेबल बना सकते हैं. आपको अगर और भी यहाँ नाउन वर्ब के पेयर मिलते हैं तो आप डेफिनेटली वो यहाँ पर लिख सकते हैं इस आंसर में. उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से ये समझ आ गई होगी वर्कशीट. इसे जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.